नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को उसके बारे में आपको एजुकेट करना, अवेयरनेस बढ़ाना, क्योंकि आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रस्ट एंड एनजीओ से हैं जो कि हॉस्पिटल्स हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज के एग्जाम में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर मेरे को आइडिया लगा। तो अब हम, जैसे मैम ने कहा कि क्यों है एग्जेम्पशंस, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आप सब लोग चलाते हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं सोसाइटी को और जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। गवर्नमेंट हर जगह तो स्कूल हॉस्पिटल नहीं खोल सकती, देर आर लिमिटेशंस। तो आपका जो एक्टिविटीज हैं जो आप लोग स्कूल या हॉस्पिटल चलाते हैं ये कवर नहीं होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो ऐसे सभी ट्रस्ट 10A भर के उनको 5 साल का मिल गया था या किसी से डेडलाइंस मिस हो गई, तो हमने लास्ट में 30 जून तक वो CBDT ने एक्सटेंड की थी डेडलाइंस, तो उसमें भी भर के लोगों ने दोबारा से ले लिया। ठीक है, तो इसलिए अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो फ्यूचर के लिए है। अज्यूमिंग जो पुराने ट्रस्ट हैं वो ऑलरेडी ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन उनके पास, तो आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं है या कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। स्कूल्स आए, ठीक है, तो आपका फील सीट्स जो है इट्स काइंड ऑफ योर सीट्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। देखिए चैरिटेबल का जो डेफिनेशन है उसमें एजुकेशन भी है एंड वेरियस कोर्ट्स इंक्लूडिंग द एपेक्स कोर्ट हैव हेल्ड वेरीफाइड दैट यू आर इनटू एजुकेशन मींस यू आर रनिंग अ चैरिटी। ऐसे ही मेडिकल रिलीफ का भी है। हाँ, जहाँ पे जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला है, अगर आपको लगता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक एंड विच इज नॉट कमिंग इन द अदर क्लॉजेस, जैसे योगा भी मेंशन है, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी मेंशन है, अगर वो सब में आप नहीं आ रहे हैं और कुछ डिफरेंट कर रहे हैं GPU में कर रहे हैं, जैसे यहाँ अभी किसी ने बताया कि वो फार्मर्स के लिए कर रहे थे, तो फार्मर्स के लिए ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, तो दैट वुड कम अंडर जनरल पब्लिक यूटिलिटी। पर उसमें फिर आपको ये ख्याल रखना है कि वो कमर्शियल इन नेचर ना हो। अगर आप थोड़ा बहुत चार्ज भी कर रहे हैं आपका वो है, दैट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ योर रिसीट्स। एजुकेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार बनेंगे तो उनकी कंप्लायंस आप करते रहिए, सो दैट यू हैव दैट स्टेटस इन दैट। दूसरा, आपको ITR टाइमली फाइल करनी है। एज ए थंब रूल आप समझ के कि इन एनी केस यू हैव टू फाइल द ITR। आप कंफ्यूजन में मत जाइए, इट इज ऑलवेज बेटर टू फाइल एन ITR। अगर कहीं नहीं, वैसे सबको रिक्वायर्ड है टू क्लेम दिस एग्जेम्पशन, आपको ITR फाइल करनी ही है। फिर ITR से पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है, ये मान के चलिए कुछ केसेस हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये मान के चलिए कि आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है, अप्रूवल लेना है। हाँ, उसके बाद जो स्टेप्स लेने हैं उसका फॉर्म पढ़िए, आपकी क्या, आपके पास क्या कागज है, क्या मिसिंग है, उसको वर्कआउट करिए। फिर ITR के साथ आपको ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ेगी, वो भी आप मान के चलिए कि आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी ही है, टाइमली फाइल करनी है, उसका एक फॉर्मेट है। अब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ई फाइलिंग पे जाके आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये फैसिलिटी भी है कि आपका नंबर और आपकी मोबाइल और आपका ईमेल आईडी भी होगा, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी होगा। सो इन एनी केस यू विल हैव टू नोटिफिकेशंस, एक आपके पास आएगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आएगी। तो अगर वो भूल जाते हैं तो आप याद रखेंगे, अगर आप ये भूल जाते हैं तो वो याद आपको दिला देंगे। और क्रेडेंशियल्स हमेशा अपने पास भी रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरता है, वो मिस आउट कर जाता है, है ना, और बाद में आप जाते हैं वो कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं और ये, और आप चेंज करना चाहते हैं ऐसे अपना चार्ट, तो कई बार अगर वो क्रेडेंशियल्स आपके लॉगिन के से चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होंगे वो लोग कई बार शेयर नहीं करते, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने लॉगिन के क्रेडेंशियल्स अपने पास ही रखें, आपके पास OTP आना चाहिए अगर वो चेंज होता है। एक माइनर सी चीज जो एक वो थंब रूल मैं आपको एक मैजिक पिन बता रहा हूं जी, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे करगिल के अंदर कमिश्नर इनकम टैक्स नॉर्थ जोन जो है वो खुद यहाँ पर आई है और हमें इनविटेशन दिया गया कि जो भी एनजीओज है, चैरिटेबल ट्रस्ट है या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज है, तो उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो हम जानते हैं कि हमारे करगिल में बहुत ज्यादा वॉलंटियरिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स है, मेडिकल सेंटर्स है,
जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटीज है, ये चला रहे हैं। तो एक अवेयरनेस बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, कि हम ये कहे कल हमें भाई कानून का पता नहीं था और उससे हम छूट जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये ना इनकम टैक्स में है ना दीन में है, कि दीन में भी आप नहीं कह सकते हैं कि हमें इस्लाम का कानून पता नहीं था इसलिए हम बरी है। जहालत जो है वो परेशानी लाता है, इल्म जो है वो आसानी और सहूलियत लाता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हमारे बहुत सारे क्वेरीज थे, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरा हम आईटीआर जो है वो रेगुलरली भरते ही है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि सेक्शन 26(12) है, इसका मतलब हर चीज में हम एग्जेम्प्ट हैं। कम से कम अगर हम एग्जेम्प्ट है तो हमें प्रूव भी करना पड़ेगा कि हम एग्जेम्प्ट है। तो आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जमाना है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। मैं खुद अपने सुरू वैली पब्लिक स्कूल का चेयरमैन हूँ, तो एक बार हमने एक FD से ट्रांसफर किया था, हमारे जो रेगुलर अकाउंट है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो तब से हमें मैसेज आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, फ्लैश हो रहा है कि आपका ये ट्रांजेक्शन है, इसको आप प्रूव करो, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते नहीं है। तो ये चीजें जो है वो आगे जाके हमें हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मैंने आज उनको भी ये क्वेश्चन पूछा, एज एन एम्प्लॉय हमें क्यों इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, हम तो एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स से अंडर सेक्शन 26(12)A। तो इन्होंने बहुत रिजनेबल रिप्लाई दिया कि आप बताओ तो सही कि आप एग्जेम्प्ट हैं, जब आप बताएंगे ही नहीं कि आप एग्जेम्प्ट हैं, हमें कैसे पता है कि आप 26(12)A के अंदर फॉल होते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी, बिजनेस एंटिटीज भी ये समझते हैं कि 26(12)A हमें एग्जेम्प्ट है, हमें किसी भी तरह से टैक्स फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे ही आपने पैन कार्ड बना लिया तो उसी वक्त आप इनकम टैक्स के प्रिव्यू में आते हैं, और जो भी चीजें हैं वो आपको फॉर्मेलिटीज जो है वो इनकम टैक्स की पूरी करना चाहिए। जितना आप डिसिप्लिन के साथ इनकम टैक्स रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, उतना ही आपकी सहूलियत है और आगे जाके आपको परेशानी नहीं आएगी। तो बहुत सारे क्वेरीज थे, इशूज थे, खास करके हमारे यहाँ पर जो सोशल नेचर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आज उन्होंने बताया कि प्योरली जो स्कूल्स नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए आप चला रहे, तो 5 करोड़ तक अगर आपका रिसिप्ट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आप ITR से एग्जेम्प्ट नहीं है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और आपको मेंशन करना है कि भाई हमारा कैप जो है वो 5 करोड़ हम टच नहीं करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही फ्रूटफुल प्रोग्राम था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। तो हम करगिल के सारे जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO है, उनकी तरफ से हम कमिश्नर मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतने दूर यहाँ पर आए और हमें इन चीज़ों से अवेयर किया। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में रेगुलरली हम जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। मैं जयश्री शर्मा हूँ, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन का हम देखते हैं एग्जेम्पशन के वर्ड। तो मैम आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे रहा है, इस पे बहुत अवेयरनेस स्कूल के लोग यहाँ पे, इसका मेन मकसद क्या है? तो हमारा जो एग्जेम्पशंस वर्टिकल है, इट्स हेडेड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एग्जेम्पशन, जो कि दिल्ली में बैठते हैं, और उनका ये मैसेज था कि वी शुड रीच आउट टू ऑल द ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, स्पेशली इन एरियाज वेयर वी हैव नॉट येट वेंचर्ड आउट, जहां हम अभी तक नहीं गए। तो कारगिल एंड लद्दाख ले वॉज वन एरिया वेयर वी हैडंट कम फॉर क्वाइट सम टाइम, तो इसलिए हमने सोचा कि हम वहां जाके इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। एक और रीजन जो था वो था कि बहुत से स्कूल्स हैं यहाँ पे और हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते या रिटर्न फाइलिंग नहीं करते, तो बस उसी एक मकसद के साथ हम यहाँ आए थे। और ये भी था कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन इश्यूज में तो हम उनकी मदद करते हैं। जो रिटर्न भरते हैं उनको भी नोटिस आते हैं, जो नहीं भरते उनको भी नोटिस आते हैं, लोगों का ये इशू नहीं, जो भरते हैं उनको नहीं आता है, अगर वो रिटर्न प्रॉपरली भरेंगे, अगर वो बता देंगे कि हम सेक्शन 1026 में, हम शेड्यूल ट्राइब हैं, हम सेक्शन 1026 में एग्जेम्प्ट हैं,
वो रिटर्न वालों भरने वालों को तभी नोटिस आएगा जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी रिटर्न. अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो नोटिस आने का मतलब नहीं. जो रिटर्न नहीं भरते हैं उनको नोटिस तब आ जाता है जब उनके अकाउंट में कैश डिपॉजिट्स मिलते हैं या कुछ वेरियस पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं कि इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है. तो जहां पे भी ये पाया जाता है कि ऐसा कुछ वॉयलेशन है और फिर हम अपने डेटाबेस में देखते हैं कि ये तो रिटर्न भी नहीं भरते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को नोटिस आता है. तो आज इसलिए हमने ये भी एडवाइस किया सभी को कि वो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरा करें फिर और कंप्लीट भरा करें. उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो पूछी जाए. अगर वो एग्जेम्प्ट हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें. कारगिल में इनकम टैक्स के रिलेटेड काफी अवेयरनेस नहीं है और मास लेवल पर इस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इनकम टैक्स क्या स्टेप उठाएंगे? देखिए, एक फर्स्ट स्टेप तो आज हमने उठा ही लिया है और आपकी जो भी ये हैं वो हम कन्वे करेंगे हायर अथॉरिटीज को. एंड इन टाइम्स टू कम आई थिंक वील कम मोर एंड मोर टू कारगिल एंड ले एरिया and try to create that awareness. तो मैम हमारा जो है लद्दाख खास करके जो है हाँ जी जी सुप्रीम कोर्ट के लिए आधार है कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स में जो है थोड़ा छूट मिला है, मैम किसने थोड़ा बताया तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है ना 1026 में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो यहाँ पे रेजिडेंट है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी इंडिविजुअल्स के लिए है. पर हाँ, बाकियों के लिए नहीं है. सपोज आप फर्म रन कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि मैं 1026 में हूँ, तो ऐसा नहीं है. अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको 1026 में नहीं मिलेगा. 1026 इज फॉर द इंडिविजुअल्स.